हेलमेट के बाद अब बेलगाम ऑटो संचालन पर एमपी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लताड़ लगाई है। हाई कोर्ट ने तल्ख शब्दों में कहा कि सरकारी रिपोर्ट का भंडार लग गया है, लेकिन सब कागजी है। हाई कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि प्रदेश भर में नियम विरुद्ध चलने वाले कितने ऑटो अब तक जब्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान नियम विरुद्ध ऑटो संचालक पर लगाम लगाने की सरकार की कार्यवाही को महज कागजी बताया है। हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में कार्यवाही रिपोर्ट्स का भंडार लग चुका है, लेकिन जमीनी समस्या जस की तस बनी है। कोर्ट ने कहा कि सरकार खुद के अंडरटेकिंग का पालन भी नहीं कर पा रही है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद एक बार फिर पूरे प्रदेश में ऑटो के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में रीवा की यातायात पुलिस ने शहर की सड़कों पर उतरकर ऑटो की चेकिंग अभियान की शुरुआत की। बताया गया है कि इनमें ऑटो का परमिट, दस्तावेज, गति, सवारियों की संख्या और निर्धारित रूट की चेकिंग की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा आज सैकड़ा भर से ज्यादा ऑटो पकड़े गए हैं, जिनके दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। दरअसल सतना बिल्डिंग निवासी अधिवक्ता सतीश वर्मा और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच तथा अन्य की तरफ से उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं को कहा गया है कि प्रदेश भर की शहर की सड़कों पर बेखौफ होकर चलने वाले ऑटो लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे ऑटो न सिर्फ शहर की यातायात व्यवस्था चौपट करते हैं, बल्कि इस हद तक सवारियों को बैठाते हैं कि हमेशा उनकी जान का खतरा बना रहता है। सवारी बैठाने के लिए ऑटो चालक बीच सड़क में कभी भी वाहन रोक देते हैं। शहर की सड़कों पर धमा चौकड़ी मचाने वाले ऑटो के संचालक को लेकर कई बार सवाल उठे, लेकिन जिला प्रशासन अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठा पाने में नाकाम रहा है। ओ हेलो, कोई बात चलो बाहर, घर के बात चलो। अरे आप लोग बात सुनाई नहीं दे रहा क्या? हम लोग बाहर पुलिस से पैसा ले लेते हैं ऑटो वाले, बात नहीं मानता है, उतार दे रोड पर, वो पैसा नहीं पाए जा है। एसपी को बता दे नहीं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जो याचिका 8/2013 में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है, जिसके पालन में 19 नवंबर से लगातार जो है ऑटो पे अवैध संचालन बिना परमिट पे कार्रवाई की जा रही है। और इस संबंध में जिले में शहर के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में टीम बना करके ऐसे ऑटो पर कार्रवाई की जा रही है जिन पे या तो परमिट नहीं है या अवैध रूप से उनका संचालन हो रहा है। लगभग सर अभी कितनी गाड़ी पकड़ी है? कल 27 ऑटो को पकड़ा गया था और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी और उन्हें जब्त करके जो है यातायात परिसर में खड़ा कराया गया था। लगातार अभी पकड़ी चल रही है, ये अभियान लगातार। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा,
संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।